एक्सरसाइज। आज देखिए, आज आपके पास ये वाली एक्सरसाइज है, कंप्लीट द शेप। अब आपको क्या करना है, ये जो फिगर्स बने हुए इनको कंप्लीट करना है। सुरुचि ड्रॉ टू साइड्स ऑफ अ शेप। सी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विद टू मोर साइड्स सो दैट इट्स एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि सुरुचि ने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये दो साइड्स जो ये डार्क हो रखी हैं, ब्लैक वाली, ये साइड इसमें क्या कर रखी थी, ड्रॉ कर रखी थी। अब वो तो उसने क्या बोला, उसने आसिफ को बोला कि आप क्या कर दो कि दो साइड्स और बना दो जिससे कि एरिया कितना हो जाए इसका, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या किया आरिफ ने, उसने एक लाइन ऐसे खींच दी और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। तो आसिफ ने ऐसा कर दिया। अब देखो उसने उसके बाद उसको क्या कर दिया, ही कंप्लीटेड द शेप लाइक दिस। तो ऐसे उसने शेप बना लिया था, ये पहले से था और ये उसने और ड्रॉ कर दिया। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये एक्चुअली 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है या नहीं है। हाउ डिड यू डू दिस? तो उसने पूछा भाई कि आपने कैसे कर लिया। ओ दैट्स इजी, इफ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट्स 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए वो बोल रहे हैं कि जो ये ग्रीन वाला एरिया है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर था, तब उसको और कितना चाहिए था, 6 चाहिए था। अब देखिए पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये 4 कैसे है। देखिए 1 2 इन दोनों को मिला के 3 और इन दोनों को मिला के 4। ओके अब कितना और चाहिए था, 6 और चाहिए था। तो उसने एक क्या कर दिया, अब देखिए फिर हमने क्या करना है, इसको एक रेक्टेंगल बनाना है। अब देखिए ये पूरा एक रेक्टेंगल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने का हो गया, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेक्टेंगल हो गया। तो उसने उसको ठीक क्या कर दिया, आधा हिस्सा कर दिया। तो अब कितने बन गए, 6 हो गया ये ऑटोमेटिकली। और जो हम पे ट्रायंगल था वो कितने का था, 4 का। तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10। तो वो पूछ रहे हैं इज ही करेक्ट डिस्कस, तो यस ही इज करेक्ट। एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये। ओके ओ आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली, इफ यू ड्रॉ लाइक दिस द एरिया इज स्टिल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो लेकिन सुरुचि ने क्या सब किया था, सुरुचि ने भी एग्जैक्टली किया था लेकिन उसका करने का तरीका देखिए क्या था, डिफरेंट था। अब देखिए ऊपर का तो 4 ही है, ऊपर को तो चेंज होगा नहीं, नीचे का सिर्फ चेंज हुआ है। अब देखिए ये कैसे हुआ है, 1 2, अब देखिए ये 3 पूरा नहीं है, इसको और इसको मिला के हो गया 3, इसको और इसको मिला के हो गया 4, और इसको मिला के हो गया 5, और इसको मिला के हो गया 6। क्लियर है? तो ये हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 प्लस 4 इज इक्वल, फिर से हमारा क्या हो गया, ये टोटल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। फिर से देख लेते हैं, देखिए 1 2, ये तो पूरे पूरे बॉक्स है यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा है और ये भी पूरा। अब देखिए ये वाला पूरा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे से बच गया है, तो ये हमने कहाँ से कवर कर लिया, इससे। और इसमें देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन था वो कहाँ कवर हो गया, यहाँ एग्जैक्टली। ठीक है, और इसमें भी ये पूरा कवर नहीं हुआ था, इसका हमने यहाँ से उठा लिया। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, और इन दोनों को मिला के 6। तो टोटल हो गए 6, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। इट्स रुचि करेक्ट, हाउ मच इज द ब्लू एरिया? तो ब्लू एरिया कितना हो गया हमारा, ये 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इट्स रुचि करेक्ट, क्या लिखेंगे हम, यस। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ कंप्लीटिंग द शेप? अब आपको सोचना है कि आपके पास और इसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि शेप के टोटल कितने हो जाए, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का आपको एक नया शेप नीचे से देना पड़ेगा, तो वो आप खुद करेंगे। ओके नाउ आस्क योर फ्रेंड्स एट होम टू सॉल्व दिस। और अपने अपने फ्रेंड्स सब बच्चे अपने अपने हिसाब से करेंगे, और उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि आपने कैसे कैसे उसको किया है। ओके okay?